हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एग्जाम कंपटीशन में। दोस्तों हम बात करेंगे यूपी जेल वार्ड फायरमैन जो आपका एग्जाम डेट है 19-20 दिसंबर 2020 को। तो दोस्तों हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जीके के, जो कि हम सॉल्व कराएंगे इस वीडियो में। तो अब आप पूरी वीडियो अंत तक देखें। और दोस्तों बता दें कि अगर आपको यूपी जीके के स्पेशल जीके जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। बाकी यूपी जेल वार्ड सारी जो जानकारी है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि परीक्षा आपका 19-20 दिसंबर 2020 को है और जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि परीक्षा पर आधारित प्रश्न हैं दोस्तों। और दोस्तों बता दें कि पहला क्वेश्चन हमारे आपके के सामने आ गया है, मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो आपको बताना है मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मनुष्य के अंदर सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। और चलिए दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं आप लोगों के सामने। देखिए मीनाक्षी मंदिर, जो कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है ये पूछ रहा है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो आपका इसका आंसर देना है, ऑप्शन ए है मैसूर, अयोध्या, मदुरई, रामेश्वरम। तो आपको इसका आंसर देना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा सी, जो कि मदुरई में आपका मीनाक्षी मंदिर है। दोस्तों देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी। तो कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी, ऑप्शन है लोकेयर, ऑप्शन बी है गैले, ऑप्शन सी है विक्टर हैश और ऑप्शन डी है अरस्तू। तो आपको बताना है कि कॉस्मिक जो किरणें हैं इसकी खोज किसने की थी। तो इसके आंसर जो आएगा वो हो जाएगा सी आपका विक्टर हैज। दोस्तों हम ये यहाँ पर आज जो पार्ट लिए हैं यूपी जेके का, ये सब मिक्स पार्ट मिक्स क्वेश्चन लिए हैं, जो कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। तो निम्न में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो आपका ऑप्शन है बॉक्साइट, ऑप्शन बी है लिनोनाइट, ऑप्शन सी है सीडेराइट, ऑप्शन डी है फेरस ऑक्साइड। तो आपका बताना है कि इसमें से एल्युमिनियम का अयस्क क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बॉक्साइड। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो उसको लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन है, कलहड़ की जो पुस्तक है राज तरंगड़ी का विषय क्या है, किस विषय के बारे में उसमें बताया गया है। तो ऑप्शन ए है बुद्ध की शिक्षा, ऑप्शन बी है संगीत, ऑप्शन सी है कश्मीर के राजाओं का इतिहास, ऑप्शन डी है चिकित्सा। तो आपको बताना है कि जो कलहड़ की पुस्तक है राज तरंगड़ी इसके किसके विषय पर लिखा गया है। तो इसमें दोस्तों आपको सही हो जाएगा, जो कि कश्मीर के राजाओं का इसमें इतिहास है कलहड़ की पुस्तक राज तरंगड़ी में। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म का संरक्षक कौन था, ऑप्शन सिक्स है जैन धर्म का संरक्षक कौन था, ऑप्शन ए है बिम्बिसार, ऑप्शन बी है खौरवेल, ऑप्शन सी है कालाशोक, ऑप्शन डी है सतर्कड़ी। तो आपको बताना है कि इसमें जैन धर्म का संरक्षक कौन था, निम्न में से इसमें से बताना है कि जैन धर्म का संरक्षक कौन था। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा बिम्बिसार, आपका ऑप्शन ए बिम्बिसार सही हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए देखो सातवां नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जो है कि सातवां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये गोबी रेगिस्तान कहाँ है। गोबी रेगिस्तान पूछ रहा है, गोबी रेगिस्तान कहाँ पे है। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है मंगोलिया। तो आपको बताना है गोबी रेगिस्तान इसमें से कहाँ पर है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मंगोलिया में आपका गोबी रेगिस्तान है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपको बताना है कि विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 16 सितंबर, ऑप्शन बी है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन डी है 22 मार्च। तो बताना है कि इसमें से पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों हमको बता दें कि 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल आपका जो है कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, और दोस्तों 22 मार्च को आपका आपका 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। जो सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, ऑप्शन है 4 मिनट, ऑप्शन बी है 8 मिनट, ऑप्शन सी है 12 मिनट, ऑप्शन डी है 60 सेकेंड। तो बताना है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 मिनट लगता है। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपको एग्जाम होगा जेल वार्डर का, उसमें आपका राजधानी पूछेगा, एक से दो को राजधानी पूछेगा। तो बताना पड़ेगा आपको उसमें क्या होगा। तो देखिए ब्राज़ील की राजधानी कौन है, निम्न में से ब्राज़ील की राजधानी कौन है, ऑप्शन है लीमा, ऑप्शन बी है ब्रासिलिया, ऑप्शन सी है काराकस, ऑप्शन डी है जापान।
तो देखिए इसमें से बताना है कि ब्राज़ील की राजधानी जो है कि आपका बी हो जाएगा, ब्रासोलिया आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है, इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए राहुल गांधी, ऑप्शन बी है प्रियंका गांधी, ऑप्शन सी है सोनिया गांधी, ऑप्शन डी है पुपुल जयकर। तो आपको बताना है कि इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा जी, पुपुल जयकर। ठीक है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा तमिलनाडु यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश से आपके मैंने बताया था 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन आपको यूपी से पूछे जाएंगे, जो कि यूपी जीके का मैं सारा क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हूं, आपको वहां पे पूरा जीके आपका यूपी का मिल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो एक आद्य कल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है। तो आपका ऑप्शन ए है शिवालिक, ऑप्शन रुहेलखंड, ऑप्शन सी है बुंदेलखंड, ऑप्शन डी है विंध्याचल। तो आपको बताना है कि इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो कि आद्य कल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बुंदेलखंड। अब देखिए भारत की जो जनसंख्या है उसका भाग उत्तर प्रदेश में कितना परसेंट रहता है। भारत की जनसंख्या का कितना भाग उत्तर प्रदेश में रहता है, पाँचवा भाग, सातवां भाग, छठवां भाग, आठवां भाग। तो अब बताना है कि जो पूरे भारत है, पूरे भारत की जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो उसका छठवां भाग है, छठवां भाग आपके उत्तर प्रदेश में रहती है। पूरे भारत की जो जनसंख्या है उसका छठवां भाग उत्तर प्रदेश में है। देखिए दोस्तों संगम साहित्य की भाषा क्या है, संगम साहित्य की भाषा क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है ब्रज। आपको बताना है कि संगम साहित्य की भाषा क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहां पे ए से हो जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि आपको यूपी स्पेशल जीके का जो कि क्वेश्चन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, या फिर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए या इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगा यूपी जीके का स्पेशल। तो चलिए दोस्तों अभी आगे हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं आप सभी लोगों को कि यूपी जेल वार्डर का प्रीवियस ईयर मैंने करा रखा है, आपको लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे वहाँ पर वीडियो मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हिंदी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको हिंदी थोड़ा सा मिक्स कर दिया हूँ। यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, तालव्य उष्म ओष्ठ अंतस्थ। तो दोस्तों आपका जो यह र ल व्यंजन है वह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पे स ख स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। देखिए दोस्तों दसवां सॉरी ये मैं थोड़ा सा मिक्स किया हूँ हिंदी का, च छ ज झ कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। देखिए दोस्तों विश्व में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, तो आपका इंडोनेशिया है। विश्व में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश आपका इंडोनेशिया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको कराए हैं, जो कि दो चार पांच क्वेश्चन आपके हिंदी के भी थे, और उत्तर प्रदेश जेल वार्डर फायरमैन का एग्जाम जो कि 19-20 दिसंबर को, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोग इसको एक बार और इसको देख लें वीडियो को अच्छी तरह से, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों टेलीग्राम पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा।